Hello friends, today we'll discuss about the classes of the shares in a company with their rights. So stay with me, let's begin our show. Types of shares. Teen types of shares ki: preference share, ordinary shares, deferred or founder share. First we discuss the preference share. Preference share kya hai? ये वो शेयर्स जिन पर मुकर्रर शरह से नफ़ा अदा किया जाता है, यानी जब ये शेयर कंपनी फ़रोख करती है तो ख़रीदार को मौके पर बता दिया जाता है कि उनके शेयर पर इतना परसेंटेज उनको प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा। मसलन 6%, 2%, 5% या 4% जो है, ये इनको ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, ठीक है। और जब साल के बाद जब कंपनी को नफ़ा होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को ही नफ़ा जो फ़ायदा जो है वो तकसीम किया जाता है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी कितनी इकसाम है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये तो इसकी हो गई इकसाम जो है प्रेफरेंस शेयर की। अच्छा, टाइप्स ऑफ शेयर में दूसरा क्या है? ऑर्डनरी शेयर्स, यानी कि ऑर्डनरी शेयर से क्या है कि मामूली शेयर। ये ऐसे शेयर्स हैं जिन पर जो है प्रेफरेंस होती है शेयर होल्डर्स को, कि उस पर नफ़ा जो है, जो मुनाफा जो है वो जब अदा करने के बाद जो है नफ़ा जो है तकसीम किया जाए। यानी कि ऐसे शेयर जिन पर तरजीही बुनियादों के ऊपर जो फ़ायदा जो है वो दिया जाता है, तकसीम किया जाता है, इनको मामूली जो है या ऑर्डनरी जो है वो शेयर्स कहा जाता है। थर्ड इसकी टाइप ऑफ द शेयर्स में है डेफर्ड और फाउंडर्स शेयर। ये शेयर्स की किस्में हैं जिनमें जो है शेयर होल्डर जो होते हैं वो बेसिकली इनके जो फाउंडर होते हैं कंपनी के या उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं मेन, उनको जो है ये तकसीम किया जाता है फ़ायदा, और ये जो है किसी और को नहीं जो है ना बेचे जाते हैं या दिए जाते हैं। तो डेफर्ड जो है वो शेयर जो है या फाउंडर शेयर, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये उनके जो हैं मालिक होंगे कंपनी के, उन्हीं के लिए हैं और किसी के लिए तो ये नहीं है, ठीक है। इस पे जो प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही ये जो है तकसीम किया जाता है, ठीक है। और ये तकसीम हो जाने के बाद जो ये शेयर जो है जो मिलता है, बचता है जो पैसा, वो फिर दूसरों में जो है ना इनको जो है दिया जाता है, ठीक है। तो लेट्स प्रेफरेंस शेयर के बाद इसकी जो काइंड्स है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये ऐसे शेयर से जिन पे हर साल एक मुकर्रर शरह से जो मौजूदा हो या आइंदा साल नफ़ा दिया जाता है उन पर नफ़ा कभी ज़ाया नहीं होता है। यानी कि समझ लें कि ये जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है ये अगर इस साल में अगर प्रॉफिट नहीं मिला है तो फ़ायदा नहीं हुआ है तो वो अगले साल जो फ़ायदा होगा तो उसमें फिर ये पिछले साल का फ़ायदा भी जो है वो मिला के वो उसको जो शेयर होल्डर होगा उसको दे देंगे। तो वो उसका जो कम्युलेटिव से, जिस तरह से आप इसके हिंट है समझने के लिए कि कम्युलेटिव से मतलब ऐड होने वाली चीज़ जो है ना, ऐड जो है कम्युलेट होना, ठीक है। और ये जो शेयर होता है ये यानी कि एक किस्म के कंपाउंड टाइप की जो है ना इसमें प्रॉफिट होता है कि अगर एक साल में कंपनी को फ़ायदा नहीं है, नहीं दे रही, तो नेक्स्ट ईयर फ़ायदा हुआ है तो पिछले साल का फ़ायदा भी आपको मिला के इस साल जो डिविडेंड के तौर पे वो दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद है नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। ये ऐसे जो है शेयर्स हैं जिन पे हर साल नफ़े में से एक मुकर्रर शरह के हिसाब से नफ़ा दिया जाता है। यानी कि ये जो इसका जो फ़र्क है कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी का फ़र्क क्या है कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स की सूरत में अगर एक साल नफ़ा नहीं मिलता तो दूसरे साल दिया जाता है दोनों का मिला के, जबकि नॉन कम्युनिटिव में अगर इस साल फ़ायदा नहीं हुआ है और अगले साल फ़ायदा हुआ है
तो आपको सिर्फ इसी जो जो नेक्स्ट ईयर जो है जो फ़ायदा हुआ है वो मिलेगा आपको। पिछला जो साल जिसमें कंपनी का बिज़नेस अच्छा नहीं था तो उसमें वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे, ठीक है। और थोड़ी ट्रिकी है, समझना चाहें तो इसको बड़ा थोड़ा सा गौर करें तो समझ सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स रखने वालों की जो है वो प्रेफरेंस जो है उनको दी जाती है कि उनको शेयर के जो है बेनिफिट प्रॉफिट के अलावा इजाफी फ़ायदे भी जो है ना वो भी होता है, यानी कि इसको तरजीह ही जो है वो शेयर्स और मामूली शेयर्स पर जो है ना तकसीम हो जाने के बाद अगर कोई रकम बच जाती है तो उस किस्म के शेयर्स रखने वालों को उस नफ़े में हिस्सेदार किया जाता है, यानी कि पार्टिसिपेटिंग शेयर जो है। अगर ये क्या है कि अगर भाई आपको ऑर्डिनरी शेयर्स वगैरह जो है ये लोगों के हैं वो उसमें आपने तकसीम कर लिया फ़ायदा, और दूसरे जो है शेयर होल्डर से उनमें भी आपने कर लिया, लेकिन जो अगर बचता है तो फिर जो है उसको भी उसी में हिस्सा देते हैं। ये पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर्स की जो है छोटी सी डेफिनेशन है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना वो क्या है कि ये वो शेयर्स हैं कि एक मुकर्रर मुद्दत के लिए जारी किए जाते हैं और उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक भी, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए बाद जो है उनको वापस लेने से जो है उनका हक रखती है और उनको काबिले वापसी जो है वो ले लेती है। यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जो कंपनी जो है वो आपको जो शेयर जो है वो जारी करती है और उस एक पीरियड के लिए, और उसके बाद फिर जो है वो कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक ही होता है। कंपनी कंपनी के जो है वो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक होता है, तो उसके बाद फिर वो उसको फिर वापस भी वो ले लेती है, फिर वो पैसे वगैरह जो है उसके वो दे देती है शेयर होल्डर्स को जो है, ठीक है। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये इरिडीमेबल क्या है कि ऐसी यानी कि शेयर्स जिनको जब कंपनी का अपना जो है वो खात्मा होता है तो उससे कबल वापस ना ले सकती है, नहीं ले सकती है, यानी कि ना काबले वापसी जो है ये शेयर्स हैं, ठीक है। और ये इन जो है शेयर्स टाइप ऑफ शेयर्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो आउटलुक दिया, और आई होप सो आप समझे होंगे इसको। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। ये छोटे से हमारे छोटे छोटे जो है ना ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्लियर करते जाते हैं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आप अपने जो है बेहतर जो है परफॉर्मेंस वो दे सकें। थैंक यू।